आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं कैप लेकर आई हूँ, जो कि मैंने पहले स्वेटर बनाया था, बेबी स्वेटर, उसके साथ मैंने कैप बनाई है। यह देखो, ऐसे फ्रिल सी आगे बनती है और बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैंने बनाई है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ये देखो, यहाँ से ऐसे बांध देंगे, ये आगे से फ्रिल आ जाएगी। चलो आपको बनाना सिखाते हैं, बहुत सरल है और मैंने बहुत आसान तरीके से बनाई है। 70 फंदे मैंने डाल के स्टार्ट की है और बीच में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है जो स्वेटर के ऊपर बना हुआ था, आगे फ्रिल बनाई है। चलो बनाना सिखाते हैं। 70 फंदे मैंने डाल लिए, 70 फंदे डाल के मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मैंने सीधी सीधी स्लाइस चढ़ा ली, 28 जे बट्टा जे बना ली मैंने। छपंजा सिलाइयाँ बन गई, 28 की 56 सिलाइयाँ डाल के मैंने ऊपर ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ये वाला ही जो स्वेटर के ऊपर बनाया था ना मैंने, ये वाला डिज़ाइन ही सेम डिज़ाइन कैप के आगे आएगा, ये वाला डिज़ाइन। कैसे मैंने एक येलो डाल लिया, अब हमने ये डालना, एक फंदा उतारेंगे, 3 सीधे, फिर एक फंदा उतारा, 3 सीधे, फिर फंदा एक उतारा, 3 सीधे। जैसे स्वेटर के ऊपर डाला ना सेम वही हमने इतना इसके ऊपर डालना है। इसके आगे मैं फिर आपको बनानी सिखाऊंगी फ्रिल, इसके आगे हमने जैसे फ्रिल बनानी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी कैप बनती है ये वाली। इतना बना लो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। वो सेम डिज़ाइन वही, एक पूरा एक डिज़ाइन इतना ही डाल लो बस, जितना ये डाला ना इतना डाल लो, ये डाल के फिर आगे आपको मैं फ्रिल बनानी सिखाती हूँ। ये देखो, इतना बना लिया, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन भी डाल लिया मैंने। अब हमने आगे इसके फ्रिल बनानी है, वो कैसे बनानी है वो दिखाती हूँ आपको। सिंपल एक फंदा उतार लिया मैंने, जैसे उतारती हूँ एक के दो फंदे बना देने, एक आगे से एक ऐसे पीछे से, फिर एक आगे से एक ऐसे पीछे से, एक फंदे के दो फंदे बनाने, एक आगे एक ऐसे पीछे, एक आगे एक पीछे, एक के दो दो फंदे बनाते जाना, एक के दो दो फंदे बनाते जाना। एक आगे एक ऐसे पीछे, एक सिलाई में भी है फंदे बढ़ाने हैं, सिर्फ एक सिलाई में ही। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, पूरी रो ऐसे कंप्लीट हमने कर लेनी।
ये हमारे पूरे फंदे बढ़ गए। अब हमने सिंपल सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है, सीधी सीधी। अब कोई फंदा बढ़ाना नहीं, बस सिंपल सीधा सीधा ही बुनना है। ऐसे सीधा सीधा ही बुनेंगे। ये देखो, एक दो तीन चार आठ सिलाइयाँ मैंने ये बॉर्डर की डाल ली। अब हमने इसको बंद कर देना है। बंद कैसे करना, सिंपल जैसे हम करते हैं, दो का एक, ऐसे पूरा बंद कर देंगे। दो का एक करके फंदा इधर डाल लेना, फिर दो का एक, ऐसे पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। ये देखो, ये फ्रिल बन गई। अब हमने क्या करना, जहाँ हमने छोटे छोटे टंके लेने हमने यहाँ से, इधर फ्रिल बन गई, यहाँ से हमने शुरू किया था ना उधर उस तरफ, पूरे ऐसे टाइट है, इसको ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल टाइट कर देना। जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट। से आ जाएगी, ये आगे आ जाएगा ये वाला हिस्सा। यहाँ मैंने इसकी डोरी बनाई है, मैंने क्रोशिया से बनाई है,
आप चाहो तो सिलाइयों में भी बना सकते हो। सिलाइयों में कैसे बनानी है ये देखो, जहाँ से हमने एक दो तीन और चार फंदे उठाकर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ डाल के इसकी डोरी बना सकते हो, पर मैंने क्रोशिया से बनाई है। ये देखो मैंने डबल धागा करके क्रोशिया से बनाई है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे बनाई मैंने। मैंने डबल ऊन कर ली, जहाँ से मैंने सिंपल बस चेन सी बनानी है ऐसे। जितनी आपने लंबी बनानी है उतनी लंबी बना लो, नहीं चाहो तो वो यहाँ लगाना हो तो आप वो भी लगा सकते हो, बूम बूम बना के भी। मैंने वैसे कुछ नहीं लगाया, मैंने सिंपल छोड़ा। जब आपको पूरी बनाकर मैं दिखाती हूँ, हो गई मेरे ऐसे इसकी डोरी बना देंगे। ये देखो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।